नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टेक्निकल मो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप अपने ज़मीन का, जो आपका प्लॉट हो चाहे आपकी कोई भी ज़मीन हो, उसकी खतौनी आप कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, मतलब खसरा खतौनी आपको कैसे निकालना है। अपने मोबाइल से भी आप निकाल सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर दुकान पे जाते हैं तो आपसे 20 रुपये से ले कर 50 रुपये 100 रुपये तक आपसे निकलवाई है, ले लेते हैं खसरा खतौनी आपसे। तो आप अपने मोबाइल से निकाल के आप खुदा ही निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं। तो यही इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, खसरा खतौनी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना। देखिए, vulekh.gov.in, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने दिख रही है। सिंपल सा इस पर आपको, इस पे जाना है, सिंपल सा इसको आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए, आप अपने मोबाइल में भी खोलेंगे तब भी इसी तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रॉस का चिन्ह मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो अपने माउस पॉइंटर से इसे, इस पर क्लिक करके इसे कट कर दीजिए, नहीं तो अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो अपनी उंगली से इसे टाइप कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे कट करते हैं। उसका देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। सिंपल से क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए, यहाँ पे इंटर कैप्चा बोल रहा है, तो सिंपल सा ये जो कैप्चर है, इस ये कैप्चर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ पे ये कैप्चर आपको डालना है। अगर आपको ये कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा कैप्चर बन के आ जाएगा। देखिए, यहाँ दूसरा कैप्चर बन के आ गया। हम जैसे क्लिक किए, अब हम यहाँ इंटर कैप्चर में ये कैप्चर यहाँ पे डाल देंगे। तो हम इसे डाल देते हैं, क्या है, N81N33। सिंपल सा ये डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है जनपद चुने, जनपद मतलब आप किस जिले में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो सिंपल सा मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो गोरखपुर पड़ता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ गोरखपुर लिखा है, सिंपल सा इस गोरखपुर पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम गोरखपुर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ डन का निशान बन के आ जाएगा। उसके बाद तहसील चुने, मतलब आपको अपना तहसील सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा तहसील पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने तहसील होंगे सभी तहसील यहाँ पे शो होने लगेंगे। देखिए, गोरखपुर में सहजनवा, सदर, बांसगांव, चौरी चौरा, गोला, खजनी, ये सारा जितने हैं ये तहसील पड़ते हैं। तो हमारा बांसगांव पड़ता है, सिंपल सा बांसगांव सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बांसगांव हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे भी डन का निशान बन के आ गया। अब कह रहा है ग्राम चुने, तो ग्राम आप यहाँ से अपना सर्च कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सभी ग्राम दिए हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है, खोजने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपके जो आपका ग्राम मतलब आपका विलेज, जो आपका गांव पड़ता है, उसका पहला अक्षर क्या है। तो यहाँ देखिए, ग्राम का पहला अक्षर चुने, तो यहाँ पे चार्ट बन के आएगा और सभी लिखा रहेगा। तो हमारा तो पड़ता है, तो यहाँ हम तेजपुर पड़ता है, तो हम यहाँ तो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तो से जितने गांव होंगे सब आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तेजपुर भवां पर मतलब हमारा ठप्पा पड़ता है, तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए, अगर आपके पास खसरा गाटा संख्या है तो अपना खसरा गाटा संख्या भर के यहाँ खोज सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर खाता संख्या है, तो इस पर क्लिक करके आप खाता संख्या सिलेक्ट करके खाता संख्या भर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं, आपको नहीं पता है क्या है, तो आपके खातेदार के नाम, किसके नाम जमीन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके वही उसका अक्षर यहाँ नाम के कुछ अक्षर भर के आप खोज सकते हैं। या नामांतरण दिनांक से खोजें, ये आपके पास है तो उस दिनांक डेट से भी आप खोज सकते हैं। तो हम जो खोजने वाले हैं, क्योंकि ना हमारे पास ये है
ना ये है और ना ही ये है, तो हम खातेदार के नाम द्वारा खोजे इस पे हम क्लिक करके ये सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए अक्षर चुनने के बाद मात्रा लगाएं, देखिए यहाँ पे मात्रा भी लगा सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, तो हम केवल एम लिख देते हैं क्योंकि हमें मोतीलाल से खोजना है, तो सिंपल सा एम सेलेक्ट करेंगे, उसका खोजे पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम खोजे पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे सभी आ गए हैं जितने एम से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्र राम नारायण, महेंद्र राम नारायण, यहाँ पे देख सकते हैं मोती अलगू, तो ये यहाँ पे जितने हैं सभी आ जाएंगे खसरा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो हम जैसे कि हम ये देखना चाहते हैं सिंपल सा इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ उदाहरण देखें सिंपल सा, ये जो अभी ग्रीन बना है सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे भी कैप्चर डालने को बोल रहा है, ये वाला कैप्चर जो आपको दिख रहा है सिंपल सा यहाँ भरना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैप्चर, सिंपल सा इस पर क्लिक करके दूसरा कैप्चर मंगा लीजिए, हम दूसरा कैप्चर मंगा लीजिए, अभी हम यहाँ पे भर देंगे। तो देखिए एल एक्स टी 9 आर वी, सिंपल सा ये भरने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सिंपल सा हम इस पर कंटिन्यू जो ब्लैक कलर का बना इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पूरा डिटेल आ गया। तो यहाँ देखिए ग्राम का नाम, यहाँ देखिए परगना, यहाँ पे तहसील, जनपद, फसली वर्ष, खाता संख्या देखिए यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे खातेदार का नाम, पति पिता पति, संरक्षक का नाम, निवास स्थान, पूरा यहाँ पे डिटेल रहेगा सभी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिया है, खाता संख्या ये टोटल है, उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद आदेश यहाँ टिप्पणी वगैरह, अगर आप बैंक से लोन वगैरह कुछ भी लिए होंगे तो यहाँ पे सभी आदेश यहाँ पे जारी हुए होंगे, यहाँ टिप्पणी भी की गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना खाता खतौनी, अपना खसरा खतौनी निकालना है अपनी ज़मीन का। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो अपने मोबाइल में शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो अगर आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस पी दबाना है और आपको ये प्रिंट करने को ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका, जैसे कि अगर आप प्रिंट आउट कोई लगा रखे हैं डायरेक्ट, तो प्रिंट आउट यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे आप प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, अगर पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, सिंपल सा सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करिए, उसके बाद क्या करना है आपको, सेव पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे आपको सेव करना है, तो यहाँ हम डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं, तो ये डाउनलोड पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो कह रहा है कि ये मतलब पहले से हम एक डाउनलोड करके रखें, तो वही कह रहा क्या, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यस कर देते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं डाउनलोड किए होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आपका सेव हो जाएगा, तो हम इसे सेव कर लिए। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को खसरा खतौनी निकालना है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को निकालने आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरीके से यूजफुल वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।